ये देखिए, आप विदेशों से ये बैटरी आप देखे होंगे, ये विदेश से आती है बैटरी, ये देखिए ये जलती हुई बैटरी है, ये विदेश से बैटरी जो लेके आते हैं जो कमा। हाय दोस्तों, हमारे ब्लॉग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हाँ तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे गांव के एक क्या हमारे भाई लगते हैं, बड़े भाई लगते हैं, खलील नाम है। आपको हम दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से इन्होंने कितनी मेहनत करके इस गड्ढे को बनाया। उसके बाद इस गड्ढे के थ्रू आप देख सकते हैं एक पाइप बगैर किसी टूल्स, बगैर किसी हथियार, बगैर किसी रिंच पकड़ और हथौड़ी के आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप नीचे देख सकते हैं पाइप में इसके अंदर से पानी आता है, ये बगैर कोई टूल्स के, बगैर कोई हेल्पर आदमी के, इन्होंने अपने दम पर इतना खड्डा कर। और देखिए आप, यहाँ से पानी भी निकलता है। अभी कल ही हमने देखा था, यहाँ पे नल भी लगा था और अच्छा खासा पानी भी निकल रहा था। और ये यहाँ पे हरियाली देखिए आप, साल का बरहो मास जब खेत सूखते हैं ना, उसके बाद भी ये इतना मेहनत करके यहाँ पे ऐसे जैसे देख रहे थे, गन्ने हैं, ये तूत का पेड़ है, आम है, ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हरियाली, यहाँ पे आके गांव के लोग, कुछ चुनिंदे लोग, इनके चाहने वाले लोग यहाँ पे आके बैठते हैं और इनके साथ गुफ्तगू करते हैं, अच्छा राय मशवरा के साथ इनके साथ टाइम पास भी होता है। और हरियाली सबसे जीवन में जो सबसे जरूरी है ना, वो होता है आपको हरियाली दिखना। आप जीवन अगर जो जीना चाहते हैं तो पेड़ पौधे लगाइए। तो जैसे बागीचा गुलहोरा का इतना बड़ा 90 बीघा का, वहां पर पेड़ पौधे ये सब खत्म हो गए, तो यहाँ पे आप देखिए हरियाली। तो हमने अभी आपको एक नल दिखाया था, आप देख सकते हैं ये दूसरा नल है, इन्हीं के हाथों से अकेले दम पे ये दूसरा नल भी इन्होंने गाड़ के रखा है, यहाँ से भी ये पानी आता है। ये अपने दम पे दो नल का इन्होंने काम पूरा किया। उसके बाद हम आपको तीसरा नल दिखाते हैं, बगैर कोई आदमी के, बगैर कोई हेल्पर के, यहाँ पर देखिए ये तीसरा नल है, ये आपको हम दिखाएंगे, ये तीसरा नल, यहाँ से पानी भी आता है, देखिए यहाँ से पानी भी आता है ये अपने दम पर। और ये मशीन का सिलाई का काम करते हैं, कोई भी मशीन ऐसा खराब रहे आप आके इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये आपको 5 मिनट गारंटी के साथ में आपको सही करके ये दिखा देंगे। कोई भी मशीन हो सिलाई का, सबके घर में बहन भाई बेटी होती है, कपड़ा सिलाई करने के इच्छुक होते हैं, तो आप आके इनके पास अगर जो दिक्कत है तो आप आके इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके पास आइए, आपको 5 मिनट और मात्र 30 से 40 रुपया लेते हैं, सबसे कम फीस इनका है। आप डिड़ेई जाएंगे, बांसी जाएंगे, रुदौली जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप आइए। ये डिहवा और गल्होरा के बीच में एक रोड जाता है, जहाँ के बीच में इनका छोटा सा मकान, अपना कुरिया बना के जीते खाते हैं यहीं पे, और अपने मेहनत के दम पे अपने आप को पालन पोषण करते हैं। और यहीं पे मेहनत करके तमाम तरीके के हरियालियां आप देख सकते हैं। ये पुराने दौर में आपने ऐसा घर देखा होगा, ऐसे पुराने दौर में घर देखा होगा हमारे बाप दादा के जमाने के जो घर थे, अब इन्होंने इस चीज को अब दिखाया, तो ऐसे युवा लोग आते हैं, काफी इंप्रेस होते हैं इसको देखकर और खुश होते हैं। मट्टी का घर अब तो देखने को मिलता नहीं है, जब से आवास आने लगा है, हर इंसान के पास पैसा आने लगा है, ऐसे घर देखने को कम मिलते हैं। आपको हम दिखाएंगे, देखो ये अपने मेहनत पे कितनी साइकिल इकट्ठा किए हैं, साइकिल, भंगार, पेटियां, खराब से खराब बैटरियां, इनके पास काफी टेक्नोलॉजी इनके पास है, सोलर पैदा करते, सोलर से ये ऊर्जा पैदा करते हैं, लाइट पैदा करते हैं, तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी है। और आप ये किताब देखिए, उर्दू में ये किताब है, जो अपनी राइटिंग से आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये राइटिंग इनकी देखिए, ये अपने हाथों से एक पेंसिल के जरिए मात्र ऐसी राइटिंग, आपके बहुत सारे किताब मिलेंगे, बहुत सारे पन्ने होंगे जिसमें आप देख सकते हैं, हम ऐसे आपको दिखाएंगे बहुत सारे पन्ने। आप देखिए कितने बारीक बारीक चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितनी अच्छी राइटिंग है इनकी, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने दुआवा लिखा है, तो इससे आप देख सकते हैं कितने कला इनके अंदर, कितने हुनर इनके अंदर भरे पड़े हुए हैं। लेकिन ये घर आप मत देखिए, आप देखिए कि मतलब इनको कैसे, कितनी खूबसूरत, कितने मेहनत करके, कोई लेबर नहीं आया काम करने के लिए, कोई पब्लिक को नहीं बुलाया, किसी की सहायता नहीं ली, अपने दम पे इसको बनाए हैं, यहीं पर अपने जिंदगी का गुजारा करते हैं। तो हम आप इनसे हम कुछ सवाल करेंगे जिसका जवाब ये खुद अपने मौजवान अपने जमा से देना चाहेंगे। हम आपको पूछेंगे कि ये मशीन अगर जो हम लेके आए किसी कस्टमर से, तो आप कितने समय में इसको बना के और सही करके, और आपकी फीस जो हमने बताया क्या ये सही है, 30-40 रुपया और 5 मिनट में सही करके देंगे क्या आप, मतलब हम अगर जो ग्राहक आपके पास भेजे तो। ये बात यह है कि मैं मशीन का जो जिम्मेदारी लेता हूँ, ये 40 दिन पैसे नहीं लगेंगे एक महीने तक, एक बार पहली बार 200 रुपया लगेगा गारंटी का, अगर गारंटी लेना चाहते हैं आप तो, और अगर गारंटी नहीं लेना चाहते हैं तो 30-40-50 में बन जाएगा, और इसे कुछ मतलब नहीं है, मशीन में कोई ज़्यादा हमारे लिए आपत्ति नहीं रहती,
और जो है मशीन हम 10 मिनट में 5 मिनट में बना के दे देते हैं, लेकिन पूरा चेक करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। अगर पूरा ओवर हॉलिंग करेंगे, चेक करेंगे तो 1-2 घंटे लगेंगे, नहीं तो वैसे जो काम मशीन और चलती आप है, बैटरी का भी काम करते हैं ये सर? तो हमारा बैटरी का, आप बैटरी भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी बैटरी है, खराब से खराब बैटरी आप लेके आएंगे, एकदम खराब, जो जलती भी नहीं होगी, जो कचरे में फेंक दिए होंगे। ये देखिए आप विदेशों से ये बैटरी आप देख होंगे, ये विदेश से आती है बैटरी, ही देखिए ये जलती हुई बैटरी है, ये विदेश से बैटरी जो लेके आते हैं, जो कमाने के लिए रोजी रोटी पे दूसरे देश में जाते हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ये सब अरब कंट्री में, वहां से लोग लेके, ऐसी बैटरियों को भी इनके पास इतना दिमाग दिया ऊपर वाले ने कि ऐसी भी बैटरियों को 5 से 10 मिनट के अंदर सही करके, जो बड़े बड़े टेक्नीशियन नहीं सही कर पाते, वो हमारे ये भाई साहब सही करके, हमारे बड़े भाई हैं ये, समझ गए, खलील नाम है इनका, ये हमारे बड़े भाई लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं, काफी दिमाग इनके पास, लगभग अगर जो हम देखें तो 100 प्रोडक्ट ऐसे हैं। आप बैटरी लाइए, आप मशीन लेके आइए, आपका नल का प्रॉब्लम है, साइकिल का प्रॉब्लम है, मोटरसाइकिल का प्रॉब्लम है, कोई और आपके पास घरेलू चीज में जो जो आपको यूज करने लायक है, ऐसे सब चीज में आप लेके आएंगे तो इनके पास 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहता है। ये सब चीज बनाने में काफी माहिर है, ये अपना छोटा सा मकान बना के यहीं पे गुजारा करते हैं। और हम आप सभी दर्शकों को बता दें, हमारे YouTube जो हमारा चैनल है वली ब्लॉग वाला, इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों तक तो फैलाइए। हम गांव में जब आते हैं तो बस यही हमारी इच्छा होती है कि हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो देश विदेश में बाहर रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं और कहीं पर रहते हैं, तो अपने गाँव की चीज़ों को देखें ताकि वो भी सोचे कि हाँ हमें यार देखने को मिलता है। बड़ी याद आती है जब आप देश विदेश चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो बड़ी याद आती है अपने गांव की सरजमी, अपनी ये मिट्टी, अपनी ये हरियाली, खेतें, ये सब देखने के लिए बड़ा आनंद आता है जब कोई वीडियो डालता है। तो हम इसके लिए मतलब एक आप लोगों को मतलब थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारा मकसद कोई ये नहीं है कि हम इससे पैसा कमाए, ये करें, हम आपको दिखाते हैं कि मतलब देखिए गाँव की ये खुशहाली है। कोई जो 2 साल 4 साल नहीं आते हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। हम आप चाहेंगे अब कुछ आपको फिर से आगे जुड़ेंगे, आपके साथ में कुछ बढ़िया चीज बनाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। और हमारे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।